हाय फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सब? और आज है मदर डे, तो आपको पता है मदर डे में पता है क्या करते हैं? मम्मी को रोज देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। और मैंने पता है इसमें क्या करा? मैंने करा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने पता है क्या करा? उनकी कंघी करी, उनको सरप्राइज दिया, और क्या करा, सरप्राइज बाल खींचे, और मैंने उनको बहुत सारा प्यार करा। और मम्मी ने मुझसे पूछा आज क्या खाओगी तुम बारी, तो मैंने क्या, मुझे खानी है जेली। और बाप मम्मी दचकीली बनाएगी, दचकीली दे देगी लॉलीपॉप। मुझे जेली बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे जेली सब खाते हैं सब लोग, जेली तो अच्छी होती है। अगर कोई भी मदर उनको जुखाम होए या खांसी होए, उनका पेट दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, उनको जुखाम हो गया, सर दर्द हो रहा, इतनी सारी चीज़ें हो जाए, अपने अपने बच्चे माँ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो अभी मैंने अपना वो जो मंदिर वाला कमरा है ना, मैंने उनको साफ करके आया है। तो इतनी सी मेरी बात थी। तो आपको एक चीज बताती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में, इस ब्लॉग में, यूट्यूब में कितना प्यार देते हो बताना कमेंट करके। तो मेरा बर्थडे आया था, आपने मुझसे कहा था हैप्पी बर्थडे आ दिया, तो थैंक यू। मेरा बर्थडे था तो अब अच्छा बनाया है, क्योंकि मेरी मैम ने पूरा चिट्ठी दे दिया था कलर का। तो जब आई थी, अब मेरी क्लास बंद तो हो गई है, अब स्कूल बंद होने वाला है, 20 को बंद होने वाला है। फिर मैं आवाज़ मस्ती करती हूँ, फिर मैं आराम से दूंगी, फिर पापा की भी छुट्टी हो जाएगी 20 की, तो सब लोग की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर मुझे मजा आएगा। तो अब जुलाई में खुलेंगे मेरे स्कूल। फ्रेंड ये दे सकते हैं, मैंने मम्मी के लिए क्या बनाया है, मम्मी देख के बहुत खुश हो गई थी। मदर के लिए ये देख सकते हैं, ये मम्मी का मुँह है, और मैंने आई शैडो, लाइनर, लिपस्टिक, और इनको कुर्ता बनाया, पैंट बनाया, जूती बनाई, हार्ट बनाया, ये स्माइली बनाई, ये सब हार्ट बनाया, और ये मेरे ये घास में चल रही है मम्मी। तो ये रहा बैग, दो बैग, ये देख सकते हैं बैग मैंने कितना अच्छा बनाया है। तो आपको ये कैसा लगा? आप मदर के लिए भी बना सकते हैं, कोई भी घर पे हो, दादी दादी, बाबा, चाचू, और मामी के किसी के लिए बना सकते हैं, पापा के लिए, भाई के लिए, सब लोग बनाते हैं अपने लिए, बहन के लिए। आपको मेरा कार्ड कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, जरूर। बाय। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आध्या की बातें सुनी। एक्चुअली क्या है, मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना चाहती थी, बट व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई, मेरी अचानक से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आज व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और आध्या को स्पेशल कुछ करना था, तो आपने देख लिया, आध्या ने मेरे लिए कार्ड बनाया है। और मुझे क्या हुआ मैं आपको बता दूँ, वही मंथली प्रॉब्लम, पीरियड्स आना। और मुझे जब पीरियड्स आते हैं तब मुझे पेन बहुत होता है, किसी किसी मंथ, पहले तो हर एक मंथ में मुझे पीरियड जब आते तब भी दर्द होता था। अब की बात बताऊँ तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ पेन रहता है, तो मेरे पैरों में, मेरी बैक में इतना दर्द रहता है कि कोई दबा दे, कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो वही है, आज आध्या ने मेरी बहुत केयर की, मेरा सर भी दबाया, मेरे कोम भी किया, मेरे पैरों से, अपने पैरों से मेरे पैर भी दबाए, मेरी पीठ भी दबाई, बहुत अच्छा किया। और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सुबह नाश्ता, खाना पानी सब कुछ बनाया। अभी मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ आपसे, शाम के चाय के टाइम पे, जब मैं दोपहर में आराम से सोई तब जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ, उसके बाद अभी मैं शाम को उठी हूँ तो मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, थोड़े से मखाने फ्राई कर रही हूँ, बच्चे खाएंगे मखाने, काला नमक नहीं है घर में आपको पता ही है, तो काला नमक मार्केट से आ जाएगा तब मैं डाला करूँगी, फिलहाल तो सादे ही नमक से काम चला रही हूँ। तो बस आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, चाय पी लीजिए,
कीजिएगा। आज मदर्स डे स्पेशल है, सभी माओ को आज का दिन पे हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो माँ का हर एक दिन मदर्स डे ही होता है, वो सारा दिन हर रोज अपने बच्चों के लिए दिन रात लगी रहती है। माँ जैसा कोई नहीं, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, कितने बूढ़े हो जाएं, लेकिन माँ जैसा कोई नहीं। कभी भी गिर के चोट भी खाए तो हमेशा माँ ही आवाज़ निकलेगी। तो ये देखिए, मैंने इनको बुलाया, ये आ भी गए हैं चाय पीने। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोगों का अचानक से प्लान बना। एक्चुअली आधा जिद कर रही थी केक वेक कट करवाने के लिए, बट मैंने बोला नहीं, अब इतना वगैरह सब कुछ मत करो, खर्चा वगैरह। वैसे इस टाइम हम लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं है, आप लोग भी अच्छे से समझते हो। फिलहाल चलो कुछ खा पी के आते, बच्चे अभी खुश हो जाएगा। सो मैंने ये अपना ये कॉटन का सूट निकाला है, पिंक कलर का, गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये कंगन निकाल लिए हैं, और ये सिल्वर ज्वेलरी है मेरी, और ये घड़ी। तो मैंने घड़ी निकाली थी बट घड़ी पहनी नहीं, तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी। ये इसका फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा है, ये बहुत ही कंफर्टेबल सूट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जब मैंने इसे लिया था तभी मैंने एक बार पहना, दोबारा इसे उठाकर पहना ही नहीं, तो मुझे अब याद आया इसके बारे में। तो मैंने सोचा चलो आज मदर्स डे स्पेशल पे मैं भी कुछ नया पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया। इसके पैर में जो नीचे की तरफ जो नेट लगाया हुआ वो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, लेकिन हटाने, मेरे हस्बैंड तो साफ साफ कह रहे थे हटा दो, लेकिन मैं हटाने से क्या फायदा, जब नीचे से भी हटा दो तो आस्तीन में भी है, दुपट्टे में भी है। मैंने बोला ठीक है, रहने दो, नया सूट है, पहन लेती हूँ मैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, और अब अच्छा फील हो रहा है। होता है सुबह सुबह जब पीरियड का फर्स्ट डे होता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाता है, थोड़ा सा चेहरा भी डल हो जाता है, थोड़ी सी एकदम वीकनेस भी आने लगती है। किस किस के साथ होता है ऐसा मुझे ज़रूर बताना, मेरे साथ बहुत होता है। और एक बात बताओ, इस बात को लेकर बहुत लोगों ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सुनाया भी है। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, बहुत बहुत कुछ सुनाया भी है मुझे, पढ़ी रहती हो, काम नहीं करती हूँ मैं। चलो छोड़ो, मैं आज के दिन उस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है पिंक कलर की, इस तरीके से रेडी हो गई हूँ मैं। तो फाइनल सिंदूर वगैरह लगा के तैयार हो जाती हूँ, चलिए निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो गई पूरी तरीके से तैयार, ये सिल्वर ज्वेलरी पहन के और पिंक सी लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा, सिंदूर लगा, ये हेयर स्टाइल जैसा जो हमेशा मैं बनाती हूँ। हाथ में कंगन पहन लिए है, पहले मैं घड़ी भी पहनूंगी, फिर मैं दोनों हाथ में एक कंगन ही डाल देती हूँ, अच्छी लगेगी। ये नेट वाला सूट है इस तरीके का, और इसके पैर में भी यहाँ पे नीचे मोहरी में भी इसी तरीके का नेट लगा हुआ है, एंड चुन्नी में भी ये नेट लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड को ये पैर में जो ये वाला नेट लगा हुआ है वो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरी चोट कुछ ऐसी दिख रही है, धीरे धीरे सही हो रही है, हो जाएगी ठीक। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं। आज दिन भर मेरा बीमारी जैसा रहा, बट ठीक है, मैंने आज कुछ काम नहीं किया, सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने की, सफाई की मेरी आध्या ने, मुझे बहुत स्पेशल फील कराया आज। और ऐसे टाइम में उसने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा। सच में बेटियाँ होती हैं बड़ी प्यारी हैं। चलिए जो भी है, चलते हैं फटाफट से। तो बस घर से निकलते ही, थोड़ी दूर चलते ही, गाना सुना है ना आपने, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिल गई हमें कार। एक्चुअली क्या है कि हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो रिक्शे का, और मेरे हस्बैंड के मित्र मिल गए, कार से जा ही रहे थे, तो उन्होंने अपने कार में हम लोग को ड्राइव दे दिया है रास्ता। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग आए राजस्थानी, आप लोग तो जान ही चुके होंगे। आज मदर्स डे इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। आद्या, आपकी सीट मिली है, सारी सीट भरी है यहाँ पर, फुल यहाँ पर खाना खाने के लिए सारी टेबल फुल है। किसी का बर्थडे है, कोई मदर्स डे मना रहा है, कोई ऐसे ही खाना आना आया है, बहुत ज़्यादा रश है, ये अच्छा लग रहा है, शोर भी बहुत है। क्या
अध्या और दक्ष को तो देख ही रहे हो, मेन्यू कार्ड में लगे पड़े हुए हैं और ये इतना पानी पी रहा है, इतना पानी पी रहा है मैं बता नहीं सकती। और बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी पार्टी में आ गए हो हम लोग। खैर मेरे हस्बैंड को सच बताऊँ, पर्सनली मैं बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पर जैसे खाना वगैरह खाना नहीं पसंद है, इसीलिए ज़्यादातर वो जब भी कोई ऐसा ओकेजन पड़ता है तो बोलते घर में मंगवा लो, वो सही है घर में बना लो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर और फिर बच्चों के साथ में फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि खाना आना बहुत टाइम में आ पाता है। छोले भटूरे मैंने अपने लिए ऑर्डर किए हैं, बच्चों के लिए नूडल्स, इनका देख कर मन ही भर चुका था, जिन्होंने बोला चलो नूडल्स खा लेता हूँ मैं, तो तीखे हो गए थे नूडल्स तो इन्होंने ही खाए, बच्चों ने बहुत कम खाया। और छोले भटूरे भी ठीक ठीक थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वैसे तो मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे यहाँ के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सबको बोलूँगी अगर जो सीतापुर से है, राजस्थानी के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन भीड़ हो उस दिन बिल्कुल मत आना छोले भटूरे खाने, आपको एकदम बेकार मिलेंगे। खैर यहाँ पर मैं आध्या के लिए आध्या की मन की चीज़ें दिला रही हूँ क्योंकि उसने मुझसे बोला था आज मम्मा मुझे जो जो चीज़ें चाहिए आप दिलाओगे, मैंने बोला ठीक है, सो उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं बहुत खुश हुई। आद्या क्या लिया तुमने? ये लॉलीपॉप। आज दक्ष को भी एक आद्या को भी। डॉगी भाव भाव दक्ष भाव भाव कहाँ है भाव भाव? मैं तो बहुत अच्छा लगता है डॉगी। यम्मी दच्छू, यम्मी यम्मी। यम्मी यम्मी। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए घर वापस खाकर। आज बहुत ज़्यादा रस था, बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से सच बताऊँ खाना भी इतना अच्छा नहीं था और इच्छा भी नहीं हुई थी। हम लोग भीड़ को देख कर ही समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा ही ऑर्डर किया था बस। नूडल्स भी बच्चों ने अच्छे से नहीं खाए थे, उसमें तीखा था क्योंकि हम लोग बताना भूल गए थे, फिर खाना को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। फिर हम लोग थोड़ा सा इन्होंने खा लिया, थोड़ा सा बच्चों ने खा लिया है और अभी जा मुझे तो भूख नहीं है और इनको भी नहीं है, इनकी तो इच्छा ख़त्म हो गई थी सारी भीड़ देख के, सबके टेबल पर खाना देख कर ना, ज़्यादा ज़्यादा जब चीज़ें देख लो ना तो ज़्यादा उलझन होती, तो वही हाल हो गया था इनको, तो ये तो बिल्कुल सोच रहे थे हम नहीं कुछ खाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। आज के दिन गए वहाँ पे, बहुत सारे लोगों सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग बर्थडे उसी की एनिवर्सरी थी, तो इस तरीके से केक वगैरह भी कट हो रहा था। मैंने भी सोचा छोटा सा कप केक खरीदेंगे कट करेंगे, लेकिन वहाँ पर इतना रस था कि फिर बिल्कुल भी मन नहीं किया कि केक लें या कट करें कुछ भी, तो बस एंजॉय किया थोड़ा बहुत। अभी करेंगे चेंज और आपको मैंने अपना लुक तो दिखाया ही था, ये सूट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से, और ये सूट बहुत पुराना, 2 साल तो हो ही गया इसको लिए हुए, मैंने 2 साल बाद इसको पहना हुआ है, मैंने ये मीशो से ख़रीदा था 2 साल पहले, तब से रखा हुआ है। आई थिंक एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसको पहन कर, फिर दोबारा नहीं पहना, तब से मैंने आज पहना है। और ये कंगन तो मैं इंदौर से लाई थी जब मैं गई थी घूमने, बहुत अच्छा, ये चोट मेरी पता नहीं कब सही होगी, लेकिन सूखने लगी है और ये बढ़ती जा रही है मेरी चोट। ये रही आद्या, मेरा बच्चा। चलिए मैं चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ।